देश के अन्य राज्यों के साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी होली के पर्व की धूम है। इस रंगों से भरे त्यौहार को लेकर शिमला के स्थानीय लोग, क्या बच्चे क्या जवान, सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्यौहार का भरपूर मजा उठाया। शिमला की सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों पर तो कुछ पैदल चलकर एक दूसरे को रंग और होली के त्यौहार की बधाई देने पहुंचे। प्रदेश की नौजवान पीढ़ी इस त्यौहार पर अपनी गाड़ियों में निकलकर होली का आनंद उठाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वह इस होली के पर्व का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हम बहुत धूमधड़ाके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को। हमारा एक्चुअली फेवरेट त्यौहार है ये दिवाली के बाद। बहुत मजा आ रहा है, मगर इस बार बर्फ पड़ गई इसलिए हम पानी वाली होली नहीं खेल पा रहे हैं। हर को बहुत ज्यादा खुशी है कि आज होली और शाम होली है। सर, ये रंगों का त्यौहार है, हम इसको एक दूसरे को रंग लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके साथ हमारे गिले शिकवे हैं उनको रंग लगा के अब गिले शिकवे दूर कर देते हैं। वहीं ऐतिहासिक शहर नाहन में होली के पर्व की खासी धूम दिखी। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर होली का पर्व मनाया। नाहन शहर की खासियत यह है कि जहां विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग एक साथ मिलकर होली का पर्व मनाते हैं, एक साथ होली मनाकर लोग आपसी सद्भावना का संदेश देते नजर आते हैं। होली के दौरान नाहन में सिरमौरी संस्कृति की भी खासी झलक देखने को मिलती है। लोग एक साथ मिलकर पहाड़ी नाच गानों का लुत्फ उठाते हैं। नाहन के अधिकतर लोग जिला के गिरिपार क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा यहां गिरिपार क्षेत्र की संस्कृति की अधिक झलक देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और नाहन में ज़्यादातर लोग पहाड़ से हैं और ये लोग जो पहाड़ से हैं वो टोली बनाकर जगह जगह पर घरों में जाते हैं और वहाँ पर जाके सबको शुभकामनाएं देते हैं और झुंड बनाकर वो अपने पहाड़ के नृत्यों का प्रदर्शनी करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो होली के त्यौहार को मनाते हैं। नाहन में होली का त्यौहार बड़ी सद्भावना के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी बड़े प्रेम से जो है एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को जो है मिष्ठान आदि मानते हैं और बड़े प्रेम से जो है यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव के बिना ये त्यौहार खेला जाता है। तो वहीं रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर हमीरपुर जिला भर में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर त्यौहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर हमीरपुर से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के घर प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता लगा रहा। होली त्यौहार के अवसर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और कहा कि होली का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लाए व देश में व प्रदेश में खुशहाल बने। होली के पवित्र अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रंगों का ये त्यौहार उनके जीवन को भी रंग बिरंगा कर दे, रंगों से भर दे और आज ऊंच नीच छोटा बड़ा नया पुराना सब भेद खत्म हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश उसी तरफ आगे बढ़े, ये समाज, ये प्रदेश भी आगे बढ़े, सब प्रसन्न हो। वहीं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपने परिवार के साथ होली खेली व कुल्लू नाटी पर नाचकर होली त्यौहार को धूमधाम से मनाया। मैं अपनी ओर से सभी हिमाचल वासियों को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ होली का ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। ये हिमाचल की जनता का प्यार, विशेष तौर पर क्रिकेट प्रेमियों का, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के मेरे सभी सदस्यों का, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में लगातार मेरा, मेरे काम का समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हिमाचल को एक नई पहचान मिली है। क्रिकेट जो इस देश का ही नहीं, बहुत ही लोकप्रिय खेल है और पूरी दुनिया भर में BCCI सबसे बड़े खेल संस्थाओं में से एक है। जब उस मुकाम पर पहुँच कर हिमाचल के बेटे होने के नाते जहाँ मुझे प्रसन्नता होती है, वहीं मुझे लगता है हिमाचल के लिए भी एक अवसर है। रघुनाथ
कि नगरी कुल्लू में पिछले 40 दिनों से मनाया जा रहा होली का त्यौहार होलिका दहन के बाद संपन्न हो गया। जहां पूरे देश में होली का त्यौहार एक या दो दिनों तक मनाया जाता है, वहीं कुल्लू में यह त्यौहार बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के दिन तक चलती है। कुल्लू जिला में होली का त्यौहार देश के अन्य भागों से अलग ढंग से मनाया जाता है। कुल्लू में होलिका दहन को फाग उत्सव भी कहते हैं। कुल्लू में होली का त्यौहार बसंत उत्सव से ही शुरू हो जाता है। 40 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में गुलाल के साथ होली खेली जाती है और दिन भर होली खेलने के बाद होलिका दहन के साथ ही यह त्यौहार सम्पन्न हो गया। इस अवसर पर कुल्लू जिला से दूर दूर से आए सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ जी के चरणों में अपना शीश नवाजा। कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी को पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया और होलिका दहन की रस्म निभाई गई। ये जो फाग है उसका दूसरा नाम यहाँ स्थानीय लोग हम उसको फाग बोलते हैं और रामपुर में फाग का मेला मनाया जाता है। इसको इसके दहन के बाद वहाँ मेला होता है, लेकिन यहाँ मेला नहीं होता। एक वैसे तो यहाँ एक मेला होता है जिसको हम फागु जात्र बोलते थे, वो फाग के बाद इसमें अखाड़ा बाजार में होती है। वहीं स्थानीय निवासी युवराज महंत ने जानकारी देते हुए कहा है कि यहां पर 8 दिन पहले से भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचकर वैरागी समुदाय के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और 8वें दिन होलिका दहन किया जाता है। ये जो फाग है उसका दूसरा नाम यहां स्थानीय लोग हम उसको फाग बोलते हैं और रामपुर में फाग का मेला मनाया जाता है। इसको इसके दहन के बाद वहाँ मेला होता है, लेकिन यहाँ मेला नहीं होता। एक वैसे तो यहाँ एक मेला होता है जिसको हम फागु जात्र बोलते थे, वो फाग के बाद इसमें अखाड़ा बाजार में होती है। कुल्लू में भगवान रघुनाथ का विशेष स्थान है तथा पूरे साल रघुनाथ जी के त्यौहार मनाए जाते हैं। भगवान रघुनाथ साल में केवल 5 बार अपने मंदिर से बाहर लाए जाते हैं, जिसमें होली के अवसर पर होलिका दहन भी एक है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ लिंकॉर 10 न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।